निवृत्ति वेतन धारकों का सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में निवृत्ति वेतन धारकों के लिए दूरध्वनि सुविधा केंद्र का उद्घाटन जिलाधीश के हाथों किया गया। निवृत्ति वेतन धारकों का सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ। जिलाधीश किरण गित्ते, कोषागार सह संचालक एच जी सिद्धेवाल, कोषागार अधिकारी वी वी जोशी आदि मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अध्यक्ष महोदय, तथा सह संचालक लेखा व कोषागार, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी अमरावती, अपर कोषागार अधिकारी अमरावती यांच्या वतीने दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे। तपश्चात पेन्शन सुविधा केंद्र का विधिवत उद्घाटन तथा मान्यवरों का सत्कार समारोह संपन्न हुआ। जिलाधीश किरण गित्ते, इन्होंने पेंशनर्स को मार्गदर्शन कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सुविधा केंद्र शुरू करने के माध्यमातून अपने सहसंचालक आणि त्यांची जी टीम आहे त्यांची संवेदनशीलता दिसते, कारण आपण सर्वजण जे आज काम करत आहोत ऑफिस मध्ये, आपण पण कधी ना कधी रिटायर होणार आहोत, आपण पण निवृत्ती दाखवणार आहोत, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि आज ज्या समस्या निवृत्ती वेतन धारकांना आहेत, आपल्याला उद्या नक्कीच त्या समस्या आपण जर नाही सोडवल्या तर त्या आपल्या पुढे नक्की येणार आहेत। निवृत्त झाल्यानंतर वय पहिले समजा 4-5 वर्ष सोडले, नंतर वय वाढत, ज्या गोष्टी आपण विसरल्या, तिसऱ्या गडबड करून आपण करायचो, तर त्या गोष्टी करणं शक्य होत नाही। म्हणून आपल्या घरी बसून आपल्या ज्या समस्या आहेत त्या आपण कुणातरी सांगाव्यात आणि त्यांनी त्याच्यावरती कारवाई करून आपल्याला कळवावी, ही खूप माफक अपेक्षा। त्यासाठी त्या कायद्यामध्ये आपल्याला 10 वेळेस 15 वेळेस जायची गरज पडू नये, कारण निवृत्त आपण जेव्हा होतो तेव्हा पहिलं आपलं पेन्शन प्रपोजल वेळेत पाठवणे किंवा वेळेत गेलं का नाही। ज्या हजारो लोकांना दैनंदिन समस्या आहेत, प्रत्येक महिन्याला काळजी वाटते की आपली निवृत्ती कधी मिळणार, असं जर तंत्रज्ञान जर आपण वापरलं तर आपल्याला नक्कीच त्याचा फायदा होतो। स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये पण खूप चांगले त्यांनी स्कीम चाललेले आहेत। वाहन चालकों को वाहन चलानी का प्रशिक्षण देने वाले ड्राइविंग स्कूल नियम क्यों नहीं पालते, यह सवाल सुजान नागरिक पूछ रहे हैं। नियमों की जाहिर अवहेलना ड्राइविंग स्कूल वाले कर रहे हैं, तो फिर आरटीओ क्या कर रहा है, यह सवाल भी आम आवाम का है। मामला ड्राइविंग स्कूल का। अमरावती जिले में करीब 58 ड्राइविंग स्कूल है। ड्राइविंग स्कूल खोलने के नियमों में ड्यूएल कंट्रोल वाहन शाला में टीचिंग रूम, कट सेक्शन ऑफ इंजन, गियर बॉक्स, वर्कशॉप, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, रोड साइन बोर्ड, लॉग बुक, ड्राइविंग सीडी प्लेयर, टीवी, हाजिरी रजिस्टर जिसमें लिखा होता है कितने घंटों तक ड्राइविंग सेक्शन दिया गया और किस किस विषय पर, जैसे ब्रेक पर, स्टीयरिंग कंट्रोल पर, गियर चेंजिंग, ये सब बातों का होना आवश्यक है। वाहन चालक का ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन हुए पश्चात सर्वप्रथम उनका लर्निंग लाइसेंस निकाला जाए, पश्चात प्रशिक्षक लाइसेंसधारी शिक्षक ड्यूएल कंट्रोल वाहन जिसमें अतिरिक्त ब्रेक, क्लच और स्टीयरिंग होता है, वाहन पर ड्राइवर शिकता है का बोर्ड लगाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग देते हैं, पश्चात आम रस्तों पर ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए वाहन निकाला जाता है। ड्राइवर को फर्स्ट एड का शिक्षण लेना होता है, किंतु इन सभी नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाते, पूर्ण प्रशिक्षण न देते, ले देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाते हैं, ऐसा आम अभिप्राय है। महानगर में बढ़ती वाहनों की संख्या और ट्रैफिक के चलते रोजाना अनेक दुर्घटनाएं हो रही है। अगर ड्राइविंग स्कूल नियम प्रमाणे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करे तो संभव है दुर्घटनाओं में कमी आए। शहर के सूर्यकांता देवी पोटे पब्लिक स्कूल में पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों ध्वजारोहण कर प्रजासत्ताक दिन मनाया गया। स्कूली छात्रों ने कंधों से मिलते हैं कंधे के गीत पर शानदार देशभक्ति पर प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया था। कलाई मौत की इतनी तो हम में ताकत है, हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है, अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना।
जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाया कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम मिलते हैं जब ऐसे तो जिले की सबसे बड़ी जत्रा के रूप में मानांकित श्री क्षेत्र भैरव यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। महाभर से यह जत्रा लगी है जिसमें जत्रालुओं की मौजा ही मौजा है। यह हफ्ता भैरव यात्रा का आखिरी हफ्ता है। बीते महाभर से चल रही भैरव यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। जिले और विदर्भ भर से जत्रालु बदस्तूर इस यात्रा में पहुँच रहे हैं। रात भर जत्रालुओं की महफिलें भैरव में सज रही है। रात को भी रात भर जमकर हांडिया भैरव में पकाई जा रही है और जत्रालु खूब मस्ती कर इस यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। इस जत्रा का यह अंतिम सप्ताह है। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनकी पुण्यतिथि मनाई जाएंगी। महात्मा सायरन बजाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देगा। 30 जानेवारी 2015 रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची पुण्यतिथी आहे। हा दिवस हुतात्मा दिन म्हणून पाळण्यात येतो। या दिवशी 10:59 जो पहिला सायरन वाजेल तो श्रद्धांजली सुरू करण्यासाठी असेल व 11:02 जो दुसरा सायरन वाजेल तो श्रद्धांजली समाप्त करण्यासाठी असेल। मी सर्व अमरावतीकर जनतेला विनंती करतो की त्यांनी दिनांक 30 तारखेला 10:59 ते 11:02 या वेळेत शहीदांना श्रद्धांजली द्यावी ही विनंती। तसेच 29 तारखेला सायंकाळी 7 ते 7:30 या वेळेत सायरनची चाचणी घेण्यात येईल। तर दोन्ही या बाबीची सर्व नागरिकांनी दक्षता घ्यावी। शहर के गोरक्षण प्रभाग के पार्षद मिलिंद बांबल का प्रभाग वासियों ने स्नेहिल सम्मान किया। विविध वार्ड विकास कार्य मिलिंद बांबल ने अपने प्रभाग में करवाए हैं। शहर के प्रभाग क्रमांक 23 में विविध वार्ड विकास कार्य पूरे होने से हर्षित प्रभाग वासियों ने पार्षद मिलिंद बांबल का स्नेहिल सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में मिलिंद बांबल ने जनता के लिए अविरत काम करते रहने का वादा प्रभाग वासियों से किया और नागरिकों से सम्मान स्वीकारा। कैंसर रिलीफ सोसाइटी तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ब्रेस्ट कैंसर की जन जागृति की जा रही है। उचित इलाज से हर बीमारी से मुक्ति संभव है, यह जन जागृति डॉक्टर कर रहे हैं। कैंसर पर मात असाध्य नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की हार नहीं होती। कैंसर क्षण भंगुर है, हमें मुकाबला करना है, आत्मबल से इसे जीतना है। नागपुर के सुप्रसिद्ध स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर निर्मला वजे व आर्किटेक्ट संपदा पेशवे द्वारा ब्रेस्ट कैंसर जन जागरण हेतु झिझक कैसी नामक सीडी का निर्माण कर विना मूल्य वितरित की जा रही है। अमरावती कैंसर रिलीफ सोसाइटी द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में दिनांक 27 जनवरी को डॉक्टर्स को यह सीडी वितरित की गई। डॉक्टर सायली जहांगीरदार, डॉक्टर सुयोग पाणा, शहर के वडाली क्षेत्र के एक नागरिक के घर गाय के जुड़वा बच्चे देखने कईयों ने भीड़ लगाई थी। गाय ने दो प्यारे बच्चों को जन्म दिया, ये दोनों बच्चे स्वस्थ है। गाय को जुड़वा बच्चे होने की बात पता चलते ही कईयों ने इन बच्चों को देखने भीड़ लगाई थी। स्थानीय विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 10 लाख रुपयों के मदद राशि का धनादेश जिलाधीश के सुपुर्द किया गया। प्रधानमंत्री मदद कोष हेतु यह निधि दिया गया है। डॉक्टर नितिन धांडे, विनय गोहट, युवराज सिंह चौधरी आदियों ने यह मदद राशि का धनादेश जिलाधीश के सुपुर्द किया। शहर के विनायक नगर में परमहंस पुंडलिक बाबा जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन जारी है। 29 जनवरी तक यह धार्मिक आयोजन चलेगा। तपश्चात महाप्रसाद समारोह से इस जयंती उत्सव का समापन किया जाएगा।
चलिए देखते हैं आज का कार्टून कोना, देखेंगे कि आज हमारे व्यंग चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति को व्यंग बनों का निशाना बनाया। बिल्डिंग में आप करेंगे मौसम की समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस निकल रहा। तो दर्शकों इस बुलेटिन में बस इतना ही, बुलेटिन को देंगे विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्का 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 2570326। हमारा वेबसाइट www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर वन न्यूज चैनल सिटी न्यूज। ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जय हिंद।